मॉर्निंग। 11 क्लास की सीरीज चल रही थी, डिफरेंशिएशन से हमने पार पा लिया था, इंटीग्रेशन की बारी है। मैंने कल भी आपसे वादा किया था कि इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होगा, केवल उतना होगा जितने से आपके फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है। इसलिए 10-15 मिनट में हम इंटीग्रेशन को पार पा लेंगे, पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट इंटीग्रेशन, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। एक ऐसा जहां लिमिट लगी होती है और एक ऐसा जहां लिमिट नहीं लगी। मैं एक ही क्वेश्चन को लिमिट लगा के और बिना लिमिट लगा के बताने का प्रयास करता हूं। जैसे जो पहला फार्मूला आपके काम में आएगा वो आएगा एक्स टू, देखिए ऐसे इंटीग्रेशन का साइन होगा, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन का साइन होगा। तो जैसे मैंने क्या कहा, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स। अच्छा, डिफरेंशिएशन अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पॉसिबल था, पर इंटीग्रेशन अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है। जो यहां वेरिएबल उसके ही रिस्पेक्ट में वो होना चाहिए। इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे फिजिक्स में लगभग 90% यही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या कहा आपसे, एक्स टू दी पावर 3/2 है, आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो कितना आएगा, एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस, बोलिए थोड़ा इसको और सॉल्व कर लें, एक्स टू दी पावर ये 5/2 अपॉन 5/2 कितना हो जाएगा, 2/5 एक्स टू दी पावर 5/2, दिख रहा अच्छे से, दिख रहा अच्छे से नहीं, ठीक। अगर मैं इसको लिमिट लगा के डिफिनिट बनाना चाहूं इसी को, एक्स टू दी पावर 3/2 डी एक्स का हम इंटीग्रेशन करेंगे, जहां एक्स की लिमिट आपको दी जाएगी, एक्स की लिमिट मान लो दिया गया है 2 से लेके 5 तक, ये डिफिनिट बन गया, बाउंडेड है। 2 से 5 तक भाई इंटीग्रेशन जोड़ने का रूप है, हम बहुत पीएचडी नहीं करा रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं। अगर इस तरह दिखा तो नॉर्मली करोगे, इस तरह दिखा तब भी नॉर्मली करोगे, ठीक है। तो आप लिमिट देख के डरेंगे नहीं, आप नॉर्मली डिफरेंशिएशन यहां तक करेंगे, तो यहां तक सेम आएगा 2/5 एक्स टू दी पावर 5/2 और लिमिट यहां लगे रहेगी 2 से लेके 5। भाई इतना तो सेम है, फॉर्मूला की तरह इसको करोगे। अब क्या करना है, 2/5 से लिमिट से कोई मतलब नहीं, 2/5 बाहर ले लीजिए। अब क्या करना, ध्यान से देखिए, एक बार x के स्थान पे 5 रखना, क्या बोले, अपर लिमिट इसको कहते हैं, ठीक है। एक बार वेरिएबल पे अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखोगे, माइनस का साइन लगाओगे, और दूसरी बार वेरिएबल पे लोअर लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए 2/5 बार क्या, एक्स के स्थान पर हमने रखा 5 और पावर 5/2 है ही, अपर लिमिट पूरी हुई, माइनस लोअर लिमिट 2 to the power 5, ये इसका इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ये वाला 2 इसका पार्ट, ये वाला 2 इसका, ठीक है, बोलो ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट समझ आई, पहले तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप परफॉर्म करो, उसके बाद वेरिएबल पे लिमिट रखोगे, तो एक बार वेरिएबल के स्थान पे अपर लिमिट माइनस साइन लगाओगे और दोबारा वेरिएबल के स्थान पे लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं इस फॉर्मूले में बता देता हूं और कौन से फॉर्मूला यूज हो जाएगा। जैसे मैं कहूं आप एक्स टू दी पावर 7 है, उसको आप 3 से लेके 4 तक
वो ज्यादा हो जाएगा, ये बड़ा एक से लेके दो तक आप इंटीग्रेट करें। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद आएगा, फार्मूला क्या है, बार बार आप फार्मूला याद करोगे, एक्स टू दी पावर एन इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डीएक्स का फार्मूला एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस। तो यहां इसका आ जाएगा एक्स टू दी पावर सेवन प्लस वन अपॉन सेवन प्लस वन, बस अंतर लिमिट आपकी होगी एक से लेके ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एट अपॉन एट, बस अंतर लिमिट होगी एक से लेके दो तक। ठीक, अच्छा अब वन अपॉन एट का तो कोई मतलब है नहीं लिमिट से, इसको बाहर कर देते हैं, वन अपॉन एट को बाहर कर देते हैं और बचा केवल एक्स टू दी पावर एट और लिमिट आपका बचा है एक से लेके दो तक। अब क्या करेंगे भाई, वन अपॉन एट रहेगा ही, अब वेरिएबल के स्थान पे एक बार अपर लिमिट, तो एक्स के स्थान पे एक बार दो रखेंगे तो होगा दो की पावर आठ माइनस एक बार वेरिएबल के स्थान पे लोअर लिमिट एक्स के स्थान पे एक, ये हो गया एक की पावर एक। सॉरी, वन अपॉन एट, अब टू पावर एट कितना होता है पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, देख लेंगे। अच्छा टू पावर एट ही इसको लिखा है मुझे, लिखा रहने दे, माइनस वन होगा, टू पावर एट कितना होगा पता नहीं, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस दूनी चौसठ दूनी एक सौ अट्ठाईस दोनों दो सौ छप्पन, टू फिफ्टी सिक्स माइनस वन, ये कितना आ जाएगा आंसर, टू फिफ्टी फाइव अपॉन एट, ये बढ़िया इसका आंसर है। ठीक है, इस फार्मूले का यूज 90% होगा आपके सिलेबस पे, हमेशा फिजिक्स में इसी फार्मूले का यूज बार बार होगा, और कौन फार्मूला का यूज होगा, लिमिट अगर आप सीखे हैं ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि डेफिनेट इंडिकेशंस ये होंगे अक्सर। ठीक है, नोट करिए इसको। कुछ और फार्मूला मैं आपको दे देता हूं, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स होगा माइनस कॉस ए एक्स अपान ए, ध्यान से ध्यान से, वहां क्या था कॉस ए एक्स और ए पहले थे, तो मैंने क्या कहा आपको फार्मूला ठीक है नॉर्मली, क्योंकि ये साइन एक्स बस से आया है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन ए एक्स डी एक्स ही रहेगा। ठीक है, साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स अपान ए, वहां पे साइन ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था कॉस ए एक्स इंटू ए, ये याद है, वहां पे जो चीज मल्टीप्लाई में वहां वो चीज कॉस ए एक्स डी एक्स, ये होगा साइन ए एक्स अपान ए, तो फार्मूले और साइन एक्स कॉस एक्स का और यूज होगा आपके लिए। जैसे मैं क्वेश्चन दूं आपको, इंटीग्रेशन साइन फोर एक्स डी एक्स, लिमिट लगा दूं मान लो मैं दो से लेके तीन तक, दो से लेके तीन तक, तो पहले साइन फोर एक्स नॉर्मली कर लेंगे, साइन फोर एक्स का माइनस कॉस फोर एक्स अपान फोर माइनस कॉस ए एक्स अपान ए। ठीक है, अच्छा ये वाला फोर, ये वाला फोर काट ना लीजिएगा, ये वाला 4x एंगल है बेटा और ये पूरे का अपान है। ठीक है, और लिमिट लगेगी कहां से, दो से लेके तीन, देखो 1 अपान 4 ध्यान से देखना, बल्कि माइनस 1 अपान 4, ये माइनस है, माइनस 1 अपान 4 का लिमिट में कोई योगदान क्या नहीं, उसको बाहर कर लो, बचा क्या cos 4x बचा और लिमिट लगा है 2 से लेके, माइनस वन अपॉन फोर, एक बार आप वेरिएबल के स्थान पे अपर लिमिट, तो वेरिएबल कितना है कॉस फोर इंटू थ्री माइनस, ये देखिए एंगल पे है कॉस फोर इंटू टू, ये एंगल पे है। ठीक है, वेरिएबल के स्थान पे एक बार अपर लिमिट, एक बार केवल एक्स यहाँ वेरिएबल नहीं है, पूरा पूरा कॉस फोर एक्स वेरिएबल। ठीक है, माइनस वन अपॉन फोर कितना जाएगा कॉस ट्वेल्व माइनस कॉस एट, ये इसका आंसर आ गया।
ठीक है। अब ऐसा ना करिएगा कि बारह पास फोर अंदर करके चार तीन बारह कास थ्री माइनस चार का नहीं 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 ऐसा नहीं, ठीक है। ये एंगल है और ये सबका पार्ट है, इस तरह कभी ना करिएगा। आप टेंथ में एंगल अगर पढ़ के आए सच तो ठीक है, क्लियर ये बात बन जाएगा। देखिए नोट कर लीजिए, जैसे मैंने कहा कि साइन ओमेगा एक्स डीएक्स जीरो से लेके टू पाई बाय ओमेगा, चलिए करते हैं इसको क्या होता है। अब देख रहे हैं बड़ा अजीब लग रहा है, काहे को अजीब लग रहा है, साइन ए एक्स पढ़े हैं ना, तो साइन ओमेगा एक्स हो सकता है, कितना हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा एक्स अपान ओमेगा, बोले ठीक है। अब ये ना करिएगा कि ओमेगा ओमेगा काट दीजिएगा, तो काटने से तो लिखे का है जीरो से लेके टू पाई बाय ओमेगा। अब देखिए माइनस वन अपान ओमेगा, देखिए माइनस वन अपान ओमेगा, इसका तो कोई मतलब है नहीं रिपीट रिपीट लगाने में, इसको बाहर कर लिया, बचा कितना केवल कॉस ओमेगा एक्स, और लिमिट है जीरो से लेके टू पाई बाय ओमेगा। माइनस वन अपान ओमेगा, एक बार आप देखिए कॉस ओमेगा एक्स के स्थान पे टू पाई बाय ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट कॉस ओमेगा इंटू एक्स के स्थान पे जीरो, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई, ये एंगल है, ये एंगल है, ओमेगा ओमेगा कटेगा क्योंकि एंगल के अंदर ही दोनों है, ठीक है। वहां ओमेगा नहीं कट रहा था क्योंकि पूरे का अपान था, यहां ओमेगा इसलिए कट रहा है क्योंकि एंगल के अंदर ही दोनों है, ठीक है। माइनस वन अपान ओमेगा कॉस टू पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस टू पाई वाई की वैल्यू होगा वन, ठीक है, और ये भी होगा वन, ठीक। तो कितना आ गया आंसर, कॉस टू पाई वाई की वैल्यू वन, कैसे पता चला, होता है कॉस एन पाई की वैल्यू, याद रखिएगा कॉस एन पाई की वैल्यू होगा माइनस वन टू दी पावर एन, ठीक। तो यहाँ एन पाई दो पाई माइनस वन टू दी पावर टू वन, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती, इस तरह से ये पूरा कर्मकांड हुआ यहाँ पर, ठीक है। बन जाएंगे इस तरह क्वेश्चन बनने से, ठीक है। जैसे और मैं कुछ फार्मूला ले लू, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही होगा, ये भी आपको याद रखना, वन अपान x dx कहीं मिल गया तो वो ln x है, उसको आप ln x लेंगे, हालांकि इस तरह आपके सिलेबस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का कहीं मिला तो tan x लिखा है भाई, और इंटीग्रेशन कहीं माइनस cosec स्क्वायर x लिखा है तो cosec x लिखा, ठीक है। यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, dx तो रहेगा ही रहेगा। इस तरह कुछ और फार्मूले होते हैं वो आपके काम के हैं नहीं, आपको साइन कॉस में काम चल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन टैन एक्स लॉग साइन एक्स होता है, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, है ना। कुछ फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के आपको याद होना चाहिए, कुछ फार्मूला और आपको याद होना चाहिए, जैसे साइन टू एक्स कहीं भी होगा तो ये कितना होगा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। कहीं पे भी वन माइनस कॉस टू थीटा लिखा होगा तो वो है टू साइन स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉस टू थीटा लिखा होगा तो वो है टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, अक्सर यूज आ जाते हैं, ठीक है। ये दो तीन फार्मूले भी आपको याद होना चाहिए, बाकी तो साइन स्क्वायर एक्स को वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखते ही आए हैं, दसवीं में भी पढ़े हैं, वो आपसे बनना ही चाहिए। इंटीग्रेशन में सिर्फ इतना ही आपसे बनना चाहिए, दो तीन फार्मूले, एक तो एक्स टू पावर एन वाला, एक साइन एक्स कॉस एक्स वाला, लिमिट लगाते आपसे आना चाहिए बस, अगर आपसे इतना आता है तो इंटीग्रेशन आपसे बनेगा, कोई वो नहीं है, फिजिक्स में जितना आएगा उतना तो बनेगा, फिजिक्स आप कर ले जाओ, ठीक है, फिजिक्स का इंटीग्रेशन आप कर ले जाओगे, अगर इतना आपसे बनता है तो एक्स पावर एन वाला, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स वाला, बहुत होगा पावर एक्स एल एन एक्स वाला, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं,
हाँ कभी कभी गुणा वाला फार्मूला भी आता है, पर वो आपके काम का है नहीं। अगर जब भी कभी फिजिक्स में बीच में गुणा वाला फार्मूला आएगा मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एंटी के साथ साथ तैयार रहिए। फिजिक्स का बेसिक जो मैथमेटिक्स हम लेके चल रहे थे वो यहाँ पे रोकेंगे, कल से हम असली फिजिक्स की शुरुआत करेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट की। तब तक और दोस्तों को जोड़ लीजिए, वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कल फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।